मैम अभी आपको फिर से समझाना पड़ेगा। सो दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। ओके, एज आई हैव रिटन, आई विल हैव फाइंड द कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ऑब्जेक्ट इज द कल्प्रिट, विल हैव बीन, हियर इट इज, देन v3 फाइंड, v3 इज ऑल्सो फाइंड, एंड बाय दिस विल बी सब्जेक्ट मी। नाउ yes, who was telling? Yes, Kavya, you tell. Yes, ma'am. The exam will have been passed by Sam. The exam. See, if I have written ma'am, the bola. Achha, okay. The exam will have Harshvardhan. Did you get now? Ma'am. First, you have to find the object. How do we find the object? Can you even tell me? Ma'am. Yes. What Sam will have passed? Ma'am, the exam. Okay, ma'am, the exam आगे आएगा। हाँ, तो देखो हम ऐसा बोलेंगे कि हम verb के ऊपर question करेंगे what से और to whom से। फिर जो answer आता है that will be the object। चलो next is। मैम answer repeat करो ना। क्या repeat करूँ answer? Answer, yes. Answer, no? Yes, ma'am. The yes, exam ma'am. Will have the exam will have been passed by Sam. Okay. My assistant has spoken. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Next. His driver will have his driver will have sold the car. Listen, those videos are off, please. Videos remain on, or today I will remove. Khushi, I think you heard a Rudraksh. Then Khushi and Devansh. I hope you heard. मैम सोल्ड का सोल्ड ही रहेगा ना लास्ट में V3 में। कौन से वाले में बोल रहे तू? मैम थर्ड सोल्ड। हाँ देखो ये ऑलरेडी परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस में पहले से जो वर्ब यूज हो रहा है वो V3 है, वही सेम टू सेम कॉपी करना है। चलो नाउ यस पार्ट यू टेल मैम। मैम मैम दिस ड्राइवर के बाद बोलो ना क्वेश्चन। क्या बोलो? दिस ड्राइवर के बाद क्वेश्चन अगेन। लिसन, हिज ड्राइवर विल हैव सोल्ड द कार। यस कैन आई? अरे पार्थ इज स्पीकिंग। यस मैम। मैम द कार विल हैव बीन सोल्ड बाय द ड्राइव बाय हिज ड्राइवर। The car will have been sold by his driver. Now next. मैं आंसर तो लिखने दो। हाँ लिख लो लिख लो। मैम बोलिए हो गया। Ushi and Kavya, वीडियो तो ऑन कर लो। चलो नेक्स्ट। सोनी विल हैव लिसेंड द म्यूजिक। ऐसा सोनी कैसा नाम होता है? मैम लिसेंड के बाद होते हैं सोनी टीवी। सोनी टीवी तो ठीक है, वो भी तो किसी के नाम पर ही है। सोनी विल हैव लिसन्ड द म्यूजिक। मैम आंसर में बोलो। बोलो। द म्यूजिक विल हैव द म्यूजिक विल हैव बीन लिसन्ड बाय सोनी। करेक्ट।
The music will have been listened by Sony. मैम एक बार वापस बोलो ना. The music will have been listened by Sony. How many have we done? मैम हो गया. मैम फोर. मैम चार चार. Write one more. मैम नेक्स्ट वन कैन आई आंसर? हाँ ओके नेक्स्ट यू आंसर. मैम उसके बाद वाला मैं बोलूँ? मैंने 20,000 नहीं बोलने. इतनी ना. चलो नेक्स्ट. I will have decorated. I will have decorated my house. मैम मैं बोलू? मैम कह रहा है मैं बोलू? मैम मुझे मौका दीजिए. अरे वो बोल रहा था ना अभिमन्यु. मैम वो उसने. हाँ मैम आंसर लिख रहा हूँ. हाँ तो लिखने तो दो उसको. दिस मच टाइम टू यू शुड गिव टू हिम. My house will be, have been decorated by me. Correct. मैम रिपीट तो करो एक बार. आंसर रिपीट करो भाई. My house will have been decorated by me. ठीक है मैम अब इंग्लिश का थर्ड चैप्टर करा दो. पैसिव वॉइस की यहाँ पर समाप्ति हो गई है. मैम फिगर ऑफ स्पीच और मैम फिगर ऑफ स्पीच की यहाँ पे मैम इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आता. चलवा दो इंग्लिश लिटरेचर का तो फिर मैम बाकी है ना हमारा. अभी तो हमारा सिर्फ फ्यूज तक ही हुआ है ना. अभी फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें नहीं आता. आते हैं ना लेकिन अभी तुम इतने रखो. अगर इतने के परफेक्ट हो गए ना तो दैट इज मोर देन इनफ. तो मैम आई सारे क्यों करवाए? सारे मिक्स हो जाएंगे अगर मैंने और वो करवा दिए तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि ये कैसे हुए. थोड़े से ग्रिप वाले. हाँ मैम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 स्टार्ट करो. हाँ हाँ मैम करवा दो. करवा दो मैम हमारी मांगे पूरी करो. आज नहीं होगा मैम. देवांश काव्य नारा लगा के बैठ जाएगा. कोई बात नहीं मैम मैं कुछ बोला ही नहीं है. आपका असिस्टेंट ही आपके खिलाफ जा रहा है तो मैम आपको तो आंदोलन करना चाहिए. और हमारे जैसे बच्चों को मासूम बच्चे को फंसा दे रहे हैं आपका असिस्टेंट. भाई मैंने फाइनली बोल दिया आज नहीं होगा. यस मैम नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगी. कौन सा है आफ्टर 20 इयर्स? मैम फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. अच्छा मैम हमारे स्कूल में तो वो जब से खत्म भी हो गया. हाँ मैम फिगर ऑफ स्पीच. मैम देख लो ये पास के स्कूल में खत्म भी हो गया. अभी चला गया. चुप करो बैठो अभी. मैम चैप्टर 3 मत चलाना आप. मैम मेरे मैम मेरे स्कूल में बड़े खत्म हो गया. मैम मेरे स्कूल में भले खत्म हो गया मेरे को इतनी जल्दी ट्यूशन में. अरे मुझे पता है. अरे आई नो चार्ज करूंगी तो वो एक लेक्चर में हाफ एन आवर में ओवर हो जाएगा. मैम आप चैप्टर 3 मत कराओ. सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी का चैप्टर करवा दो.
चलो ओके, फिगर ऑफ स्पीच और थोड़ी सी आगे करो. मैं 2 मिनट में आया. मैम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मैम यस मैम, मेरी ग्रामर बुक है ना ये वाली है, द ग्रामर पॉल. टॉपिक्स तो सारे कवर हो रहे हैं. हाँ मैम. पार्थ आ गया वापस? यस मैम आ गया. चलो हेडिंग डाल दो सब लोग. ऑक्सीमोरोन. ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन. ऑक्सीमोरोन. ओ एक्स के बाद क्या? ओ एक्स वाई एम ओ R O N. Oxymoron. Now in this, I will explain what happens in this. First, you write its definition so that you understand what is there. Right? It is a term. It is a term applied to a phrase mam it is a term ke baad kya bola. Khushi, first click on your video. Oxymoron spelling first of all. O X Y M O R O N. O X Y M O R O N. Now its definition. It is a term. T-E-R-M term applied to It is a term applied to a phrase, 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 which appears to be contradictory. आप चिपक गए, आपकी वॉइस कट गई. Which appears to Again, I'm repeating. It is a term applied to a phrase which appears to be contradictory. Now, write the spelling of contradictory. Con, C-O-N, con, tra, T-R-A, tra, dic, D-I-C, tory, T-O-R-Y. मैम अपीयर के बाद बोलो ना. ये क्या हो गया है? कितनी बार बोले श्री थर्ड जी ने तो वॉइस ना बीच में कट हो रहा था. Yes, ma'am, आपकी वॉइस कटिंग कट हो रही है. अच्छा ओके. इट इज अ टर्म इट इज अ टर्म T-E-R-M अप्लाइड टू अ फ्रेज अप्लाइड टू अ फ्रेज which appears
टू बी कॉन्ट्राडिक्ट्री. हो गया मैम. अब समझो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट्री का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, और फ्रेज का क्या मतलब होता है? मीनिंगलेस सेंटेंस और अनकम्प्लीट सेंटेंस. अनकम्प्लीट सेंटेंस और मीनिंगलेस सेंटेंस. मीनिंगलेस नहीं है वो, अनकम्प्लीट. मैम जो मैम जिसमें पूरा वर्ब ना दिया हो वैसा कुछ, वर्ब ना दिया हो और मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हाँ मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और उसमें वर्ब नहीं होता और उसकी इनकम्प्लीट सेंस. मैम डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. लिख तो दी डेफिनेशन, और कितनी बार लिखोगे? मैम ऐसा बोल रहा है कि डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा बोला. हाँ वो तो मुझे पता है, इतनी बार बोलने के बाद तो मैंने लिखने वाली. देखो इसमें ऐसे कोई वर्ड्स लग रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं? मैम वाइजेस्ट फूल. हाँ ये वाइज मतलब समझदार, फूल मतलब बेवकूफ, उल्टा हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन. ओके मैम. Copy this. मैम आप और सेंटेंस दोगे? हाँ एक तो और लिख लो. ओके मैम तीन करा देना. His honor in, his honor, H-O-N-O-U-R. His honor in dishonor. Ma'am, can you repeat the sentence? His honor in dishonor. His honor के बाद मैम आप सेंटेंस लिख दो. His honor in dishonor, dishonor stood, STOOD. मैम honor in dishonor. Correct. मैम बस ये लास्ट करो, मतलब तीन हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट सेंटेंस. एंड फेथ
unfaithful and faith unfaithful kept him क्या बोला kept him ऐसे बीच में मत बोलो कि क्या बोला यार मैं रिपीट कर तो रही हूं and faith unfaithful kept him falsely true यार आप लोग ना पते क्या करते हो आपको जिसको आंसर आता है ना वो वेट भी नहीं करता कि मैम का सेंटेंस फिनिश हो एकदम आंसर बोल देता है और फिर वही स्टूडेंट्स जब उन्हें आंसर नहीं आता मैम क्या मैम रिपीट करो मैम क्या मैम रिपीट करो टू टाइम्स इनफ है रिपीट करना भाई एंड प्लीज जिसका वीडियो ऑफ है मैं उसका कोई आंसर नहीं देने वाली आज लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग नो वन विल स्पीक इन बिटवीन द सेंटेंस लेट द सेंटेंस कंप्लीट फर्स्ट And faith, unfaithful, kept him falsely true. Today, Aditya Chauhan, you will speak. Yes, ma'am. Faith and unfaithful. And वो falsely and true. Yes, falsely true. Okay. मैम एक सेंटेंस में दो ऑक्सीमोरन हो सकते हैं हाँ है ना इसमें तो yes, ma'am. चलो एक और लिख दो नहीं रहने चलो देखती हूँ लिखवाती हूँ अ बिटर स्वीट स्टेटमेंट A bitter sweet statements keep us upside down. A bitter sweet statement keep us upside down. Ma'am, can I say? यार तुम लोग हैंड रेज कर लोगे तो मालूम पड़ जाएगा मैंने तो उससे भी कम दिया आंसर वीडियो जिसकी ऑफ होगी मैं उसका तो नहीं करूंगी मैम ऑन है Okay, Rudraksh, speak up. Yes, ma'am. Bittersweet or upside down? Correct. Okay, fine. This was oxymoron. Now next, write everyone. Ma'am, एक और दे दो फाइव हो जाएगे. Yes, ma'am. तो एक तुम बताओ चलो. तुम बता दो ना. A fair ugly duckling. A fair, F-A-I-R, fair.
ugly, U-G-L-Y, ugly. Duckling, duckling. A fair, ugly duckling. Shows a sad mood. देखो मैंने बनाया हुआ है तो प्लीज वो नहीं होगा एग्जैक्टली रहेगा. अ फेयर अगली डकलिंग शोज अ बैड मूड. हेलो मैम. हाँ बोलो. क्वेश्चन फोर आप रिपीट करोगे? क्वेश्चन फाइव रिपीट करोगे? मेरा नेट इशू मैं लीव हो गया था मैम. मैं करूँ रिपीट? अरे यार ऐसे तो एक एक बच्चे का यही रहने वाला है. और पैर अभी इसका कैमरा ऑफ है. सैड मूड आंसर बोलो. व्यू मुझे लिख के दे दे. ठीक है. हाँ बोलो मैम. पैर और अगली. मैम आपने पूछा पहली बार बोला ना फेयर अगली डकलिंग. मैम पता ही नहीं था अगली डकलिंग ये क्या है. वो होता है ना टंग ट्विस्टर. यस मैम. सी शेल्स ऑन द सी शोर वो सब वो आएंगे. वो भी फिगर ऑफ स्पीच ही है. तो मैम वही करवा दो. हाँ तो देखने दो. मैम पहले ये काव्य बोलता है कि किसी को मैम आप ऐसे चलो चलो यही है अब जो हम करेंगे. एलिट्रेशन. ए डबल एल आई ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन. मैम रिपीट करो ना पहले. ए डबल एल ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन. एलिट्रेशन खुशी थोड़ी ना सेंटेंसेस ना हमको बनाने भी सीखने चाहिए. अगर वर्ड जैसा आए एलिट्रेशन तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वर्ड को कैसे ब्रेक करके फ्रेम करते हैं. अभी एट्थ वाले बच्चों को मैं स्पेलिंग डिक्टेट करूं it is the very bad thing. fifth standard se dictation start hoti hai. abhi eighth mein bhi agar aapko spellings ki need ho rahi hai then chalo iski definition likho. alliteration is the repetition of one or more similar sounds or letters may have repetition at
एट द बिगिनिंग Now here, now see everyone. In this alliteration, sometimes sound can repeat or sometimes words are repeated. Okay? Now see everyone. Write, water, water everywhere. Water, water everywhere. Another you will write. अपने आप बनाती हूँ. Ben, B-E-N, Ben. Ben bought a blue belt. Ben bought a blue belt. In this sentence, everywhere B, the letter B is repeated. So when we have the repetition of letters, there we have alliteration. Ben bought a blue belt. अब तुम भी कुछ बना सकते हो ऐसा. ये मैंने अभी बनाया ये Ben वाला तो कहीं लिखा नहीं है. Black, black है black belt. Black. Sorry ma'am. I'm black, black name. Man, black man has a black belt. ये तो तुमने फिर वो B वाला बनाया और कोई letter का बनाओ. B वाला तो मैंने. मैं बनाऊँ? मैं बोलूँ? हाँ, please. मैं उसे अच्छा white man has a white belt. क्या? White man has a white belt. अब तुम belt के पीछे ही पड़ गए हो. मैम रीना मैम मैं बोलू. मैम आपको अच्छा लगे ना लगे तो फिर आप बोलना. मैम पिगी पिगी है पिगी बैंक क्या? मैम पिगी पिगी है पिगी बैंक. आप उसमें लिखो जरा चैट बॉक्स में. समझ में नहीं आया मैम. मैंने वो बोल रहा है मैम. वो बोल रहा है पिगी पिगी अ पिगी बैंग. ये क्या हुआ मैम? राइम आगे का तो पोयम हो गई मैम. आंगी ने अच्छा ओके आंगी ने अच्छा बनाया. यस आंगी यू स्पीक अप. पेपा पिग वेंट टू अ पार्टी पॉइंट. Peppa Pig went to a party point. ये पिगी पिगी क्या लगा दिया तुमने पार? कुछ सेंस तो हो उसकी. ऐसे तो मैं भी कोई एक वर्ड लेके चार बार रिपीट कर दूंगी. आंगी ने अच्छा बनाया. Peppa Pig went to a party point. Excuse me, ma'am. वीडियो ऑन कर लो फिर एक्सक्यूज करूंगी मैं. अरे मैम मैं ना अभी यहाँ पे लाइट गई थी ना तो मेरा ये पीसी शट डाउन हो गया था तो कनेक्शन भी ये कैमरे का चला गया. व्योम तो नंबर 4 से लिखना चालू कर मैं तुझे भेज दूंगा. मैं 5 तक तो लिख दिया है. मैं दूसरा नया चालू किया है मैम ने. नंबर 3 पे पहुंचे
नंबर फाइव तो चालू कर, नंबर फोर तो लिखना चालू कर। Yes, maybe you have seen it from somewhere. That is okay. चलो हो गया आपका एलिट्रेशन, एक और पढ़ लो फिर फिनिश। यूफेमिज्म स्पेलिंग लिखो ई यू एंड प्लीज खुशी थोड़ी फास्ट लिखना। ई यू पी एच ई एम आई एस एम यूफेमिज्म। अगेन आई एम रिपीटिंग ई यू PHEMISM euphemism। अब euphemism में कैसा होता है कि कोई मतलब कड़वी बात है, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं अनप्लेजेंट बात है, ठीक है। अब उसको हमें इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को पता भी चल जाए और उसको क्या हुआ। मैम आपकी वॉइस है ना थोड़ी थोड़ी कट रही है। यस मैम, यस मैम, मैम नेटवर्क लो है आपका। और मैम यहाँ पे आपका येलो दिख रहा है, अभी व्हाइट हुआ। एक मिनट मैम, मैंने आपको एक और एग्जांपल भेजा एलिट्रेशन का। हेलो मैम। हाँ ओके, आई एम ऑडिबल। नो मैम, आपका रेड, आपका नेटवर्क रेड है। मैम आप कुछ बोलते हो वैसे ही आप चिपक जाते हो और आवाज नहीं आती मैम, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। यस मैम, ये पास का भी नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। अभी कैसा हो रहा है? मैम अभी ठीक है। मैम अभी ठीक है, अब सही है मैम। अच्छा ठीक है। हाँ यूफेमिज्म मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है। अब यूफेमिज्म में क्या होता है कि बहुत ही कुछ अनप्लेजेंट बात है लेकिन आप उसको इस तरह से बोलते हो कि उसका जो कड़वापन है ना, जो बिटरनेस है वो कम हो जाती है। सपोज कोई बहुत ही यंग एज में किसी की डेथ हो गई है तो आप उसको सामने से जाकर उसके घर वालों को बोलो, क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे हाय हाय ये तो बहुत ही खराब हुआ, इतना ऐसे हो गया, पास दबे। ऐसे नहीं बोलोगे ना आप, कैसे बोलोगे उसको कि बहुत यंग एज में अर्ली डेथ हो गई है? ऐसा नहीं बोलोगे कि हाय हाय बड़ा बुरा हुआ, ये तो मर गया, ठीक है ना, कि ही डाइड अ वेरी यंग एज, ठीक है, ही डाइड ब्रूटली, वो सब नहीं होगा, ठीक है। अब इसका पहले वो मैम उसको डिफाइन, मैं लिखवा रही हूँ ना, पहले एक्सप्लेन भी नहीं करूँ, सबको बहुत जल्दी पढ़ी हुई है। नहीं मैम आपने एग्जांपल बोल दिया तो मुझे लगा डिफाइन आप भूल गए, तो मैं 2 मिनट समझा रहे हैं, बात खत्म ही नहीं होने देते तुम लोग, बीच में बोल पड़ते हो। तुम लोगों को एक एटिकेट की क्लास भी लेनी चाहिए साथ में। चलो ओके लिखो, बाय यूफेमिज्म By euphemism, we express something unpleasant, or disagreeable. In a mild or gentle manner. Ma'am, will you please repeat after unpleasant?
इतना सारा छोड़ दिया तुमने। मैं बोलता हूँ अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल इन ए माइल्ड और जेंटल मैनर। थैंक यू, वेलकम। चलो डन। यस मैम। यस मैम। अब इसके एग्जाम्पल में ऐसा लिखो, डोंट टेल मी फेरी टेल्स, डोंट टेल मी फेरी टेल्स। यहां पर फेरी टेल्स का मतलब है लाइज, ब्रैकेट में लिख दो, फेरी टेल्स को अंडरलाइन करो और ब्रैकेट में लिखो लाइज। लाइज मतलब झूठ, मतलब मैं किसी को बोल रही हूँ कि मुझे फेरी टेल्स बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि झूठ मत बोलो, ऐसा बोला कि मुझे ना यहाँ वहां की बातें मत बताओ, ऐसे बोल दिया। तो थोड़ा जो है ना वो लेवल एकदम जो हार्श लेवल होता है, बुरा बोल दिया, हाँ मतलब थोड़ा वो हार्श लेवल कम हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ वहां की बातें मत बोलो, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि झूठ मत बोलो, ठीक है। और कुछ बताओ तुम अच्छा सा। मैम आपको थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा, 6 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग। चलो एक लास्ट है, हाँ, कर दो। दो और करवाने पड़ेंगे। नहीं एक ही बस करवा रही हूँ मैं, एक करवा रही हूँ, कैसा अच्छा लगेगा। चलो एक ही, फ्रेंड्स फ्रेंड्स कॉमा रोमन्स, रोमन्स आर ओ एम ए एन एस, रोमन्स कॉमा कंट्री मैन, countrymen, lend me your ears, L-E-N-D, lend me your ears, इसका मतलब है कि आप यहाँ ध्यान दो, ऐसा नहीं बोला कि यहाँ, मतलब धमकी देकर नहीं बोल रहे हैं कि अपने कानों को यहाँ लगाओ, ऐसा नहीं, थोड़ा उसको माइल्ड वे में कर दिया, यहाँ सुनो, ऐसा नहीं, जैसे टीचर्स को बोलना पड़ता है ना यहाँ ध्यान दो, तो ऐसा बोल दिया कि लेंड मी योर ईयर्स, अपने कानों को यहाँ लगाओ या फिर फोकस यहाँ करो, ठीक है। ओके ओके मैम। नाउ यू हैव अनदर सेशन ऑफ अनदर सब्जेक्ट, सो आई विल लीव एंड यू विल कंटिन्यू विद योर मैम। अंडरलाइन वर्क कौन सा है? बाय बाय। Bye ma'am, have a nice day. Same to you, bye. Bye ma'am, have a nice day. ये पूरा वही है, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा होगा, इसमें वर्ड्स नहीं आते, एलिटरेशन थोड़ी है कि वर्ड्स आएंगे, ये पूरा सेंस होगा पूरे सेंटेंस का। ओके बाय। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय। Bye, man.
गुड आफ्टरनून मैम. 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 गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मैम मैम आपने वो बोला था ना होमवर्क में वो करके आना प्राइम फैक्टराइजेशन. मैम वो हो गया. हम 19 सम्स हो गए.